अच्छा अभी तक आप लोगों ने इमेजेस तो ऐड करना सीख लिए आप लोगों ने साथ साथ एक गैलरी बनाना भी सीख ली बट नाउ वी गोइंग टू मूव ऑन एंड एक्सप्लोर सम अदर फीचर्स ऑफ वर्ड प्रेस जिसका ताल्लुक़ है ऑडियो से और वीडियो से और ऑडियो और वीडियो हम आपको अलग अलग तो ऐड करना सिखाएंगे ही लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसकी एक प्ले जो है वो देखें कि कैसे बनती है क्यों बनती है और प्ले की ज़रूरत कहाँ पर पेश आती है एक चीज़ ज़ेन में याद रखिएगा कि आपने हर चीज़ जो हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं

is वेरी सिमिलर टू इंसर्टिंग अ गैलरी बिल्कुल जैसे आपने गैलरी ऐड की वैसे ही आप एक ऑडियो और वीडियो playlist add एड कर सकते हैं लेकिन आपके जहन में एक सवाल एक क्वेश्चन आएगा कि आखिर ये प्ले लिस्ट होती क्या है व्हाट इज इट वट इज अ प्ले लिस्ट एग्जैक्टली सो प्ले लिस्ट इज अस्ट ऑफ ऑडियो और विडियो फाइल्स दैट कैन बी प्लेड ऑन अ मीडिया प्लेयर आइदर इन अक्वेंशल और शफल्ड ऑर्डर सो so, बिल्कुल जिस तरह आप अपने फोन पे गानों की एक प्लेलिस्ट बनाते हैं वैसे ही यू विल बी एबल टू क्रिएट अ वेरी सिंपल एंड अमेजिंग प्ले लिस्ट एंड इट टू वर्ड प्रेस ऑडियो प्ले लिस्ट विल ऑब्वियसली प्ले ऑडियो एंड वीडियो प्ले लिस्ट विल ऑब्वियसली प्ले वीडियो सो ये प्ले लिस्ट इस तरह थोड़ी सी डिफरेंट है हाउ कैन यू क्रिएट अ प्ले लिस्ट आप वहीं जाएंगे आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे एक नई पोस्ट बनाएंगे या एक नया पेज बनाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन एड मीडिया जब आप एड मीडिया के बटन पर क्लिक करेंगे दैट्स यू हैव एन एन ऑप्शन टू क्रिएट प्ले लिस्ट और वीडियो प्ले लिस्ट आपको लेफ्ट uh, पे कुछ बटन भी नजर आ रहे होंगे विच अलाउ यू टू डू दिस सो वंस यू हैव सिलेक्टेड पर्टिकुलर प्ले लिस्ट दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट यूल्ट दो आप एक नई प्ले लिस्ट क्रिएट करने के लिए एड करना चाह रहे हैं वहां पर हर फाइल का एक अपना टाइटल है एक अपना कैप्शन है और एक डिस्क्रिप्शन है जो आप एड कर सकते हैं दिस ऑल इज कॉल्ड मैटा डेटा ये मेटा डेटा आपको हेल्प करता है सर्च इंजन को बताने के लिए कि आपका पेज क्या है और किस तरह से काम कर रहा है

पास कुछ क्वेश्चन देन में आ रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल आप सोच रहे होंगे कि वाई डू आई नीड टू क्रिएट अ प्ले लिस्ट आखिर मुझे क्या ज़रूरत है मैं तो इस तरह की कोई चीज़ कर भी नहीं रहा तो क्या ज़रूरत है कि मैं एक प्ले लिस्ट क्रिएट करूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी तरह का मीडिया अपलोड कर रहे हैं वेदर इट्स योर ओन मीडिया वेदर इट्स मीडिया दैट यूर क्यूरेटिंग फ्रॉम अदर साइट्स उसके लिए क्रिएटिंग अ प्ले लिस्ट विल हेल्प यू एक और क्वेश्चन कैन आई क्रिएट प्ले लिस्ट ऑफ ऑडियो फाइल्स फ्रॉम ओवर द इंटरनेट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमेजेस पे क्वेश्चन आया था मेक श्योर यू ओन द लाइसेंस और यू गिव अ लिंक बैक और अ क्रेडिट टू दैट वेबसाइट जिधर से आपने वो ऑडियो फाइल उठाई बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप कोक स्टूडियो के कुछ गाने उनकी एक साइट बना रहे हैं तो प्लीज लिंक बैक टू द कोक स्टूडियो साइट एंड गिव अ डिस्क्लेमर कि यू डू नॉट ओन

एक और क्वेश्चन डज एडिंग ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स स्लो डाउन द साइट सो डेफिनेटली अगर आप ऑडियो और वीडियो फाइल्स ऐड करेंगे आपकी साइट की स्टोरेज स्पेस यूज़ होगी आपका साइट का बैंडविथ यूज़ होगा सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सो अब हम आपके सामने सीखेंगे और आप मेरे साथ सीखेंगे कि कैसे हम एक ऑडियो या वीडियो प्लेलिस्ट को ऐड कर सकते हैं सो विल यूज़ द सेम फंक्शन्स जो मैंने आपको भी बताए वील लॉग इन

सो एल क्लिक ऑन क्रिएट ऑडियो प्ले लिस्ट एंड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके पास कोई आइटम्स नहीं अवेलेबल सो मैं कुछ सैम्पल आइटम्स जो मैंने अपने पास ढूँढे हुए हैं मैं उनको अपलोड करूँगा सबसे पहले आई एल ट्राई टू एड कुछ ऐसी फ़ाइल्स जो कि सिर्फ ऑडियो हैं सो लेट्स ट्राई टू सी कि इनमें से कौन सी फ़ाइल ऑडियोज़ हैं सो so, ये कुछ फाइल्स हैं विच आर ऑडियो फाइल्स और ये मैंने आपके लिए सैंपल uh, के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड एंड जैसे ही ये अपलोड हो जाएंगी तो इनके एसोसिएटेड इमेजेस भी आपको यहाँ पे जो है ना वो शो हो जाएंगे uh, कोई फॉर्मेट अगर सपोर्ट नहीं करता जिस तरह ये एक एम पी फोर फाइल है दिस इज नॉट एन ऑडियो फाइल सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस फ्रॉम हियर सो नाउ आई हैव टू ऑडियो फाइल्स

बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो एक मीडिया प्लेयर वो नजर आएगा आई एम गोइंग टू गिव अ टाइटल टू दिस पोस्ट दिस इज माय ऑडियो प्लेलिस्ट एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस साथ ही साथ जस्ट टू ऐड सम फन आई वांट टू ऐड अ फ्यूचर इमेज टू दिस एज वेल और मैं वो ऐड कर दूंगा एंड आई क्लिक ऑन सेव एंड एज सुन एज आई ओपन दिस पेज तो आप देख रहे हैं मेरा फीचर डिमेजॉप पर आ रहा है और एक प्ले लिस्ट ऑटोमेटिकली बन गई आई कैन ट्राई टू प्ले दिस एंड सी के ऑडियो बचता है कि नहीं बचता तो ऑडियो इस पर ऑब्वियसली प्ले हो रहा है आपको एक मूवमेंट नज़र आ रही है सो आई एम गोइंग टू गो बैक एंड इफ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस प्ले लिस्ट मैं उसी तरह उस पर क्लिक करूँगा मेरे पास एडिट का ऑप्शन भी है मैं इसको ऑडियो प्ले लिस्ट को एडिट भी कर सकता हूँ एंड आई कैन क्लिक ऑन रिमूव एज वेल और इसी तरह रिमूव हो गया बट नाउ आई वॉन्ट टू एड अ वीडियो प्ले लिस्ट तो जल्दी से हम एक वीडियो प्ले लिस्ट ऐड करेंगे बिल्कुल वैसे ही बट विद अ डिफरेंट स्ट्रैटी आई एम गोइंग टू ड्रैग एंड ड्रॉप इमेजेज़ मैं अपनी दो फेवरेट फाइल्स को ही उठाऊँगा वीडियो की एंड आई एल जस्ट अपलोड दैम और ऑब्वियसली वीडियो फाइल्स बढ़ी हैं तो ये ज़्यादा टाइम लेंगी अपलोड होने में बट एज सून एस बी अपलोडेड यू विल सी दे विल भी रिफ्लेक्टेड यह दोनों अपलोड हो गई हैं Uh, एक इनमें से ऑडियो uh, फाइल है अगेन मैंने गलती से अपलोड कर दी है सो आई एम गोइंग टू डिलीट दैम और मैं इसको दोबारा एक और वीडियो फाइल जो है वो अपलोड करूँगा फॉर्मेट्स का आपने uh, ख्याल करना है क्योंकि कुछ फॉर्मेट्स वर्ड प्रेस अलाउ करता है कुछ फॉर्मेट्स इस पर नहीं चलते आपको ऑटोमेटिकली वर्ड प्रेस बता देगा कौन से फॉर्मेट्स uh, किस तरह के हैं सो यू कैन सी बोथ ऑफ देम आर वीडियो फाइल्स क्योंकि वीडियो का आइकन भी आ रहा है गो क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट एंड आई एल ज्लिकट वीडियो प्ले लिस्ट और अब तो आप देखें कि वीडियोज हैं वो इंसर्ट हो गई है और आई एल चेंज द टाइटल टू दिस इज माई वीडियो प्ले लिस्ट एंड आई क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट और क्लिक करने से उसको देखने से आप देख सकते हैं क्योंकि फीचर इमेज वही वाला है जो पहले था बट द वीडियो प्लेलिस्ट है आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे वीडियो चलना शुरू हो जाएगी सिंपल सी वीडियो जो आपको चलते हुए नजर आ रही है कि आपने वीडियो प्ले लिस्ट एड कर दी है एंड इफ यू रिमूव इट यू कैन गो बैक एंड क्लिक इट सो अगेन यू कैन रिमूव द इमेज टू इफ यू दूचर लॉर्ड ऑफ प्लग इन पे जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं देख सकते हैं जाके देखें एक्सप्लोर करें इस फीचर को विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस वाई नॉट टू डू दिस वाई टू डू दिस कैसे आप होस्ट कर सकते हैं कॉन्टेंट ऑन सम अदर साइट्स बट वील बी टीचिंग यू मोर ऑन दिस And you will love to explore these interactive features of WordPress. Stay with us.